खाना आती ना फिर ना। हेलो हेलो, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल एस एस के द गाइड। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड पॉजिटिव। आज की वीडियो में इंट्रोडक्शन होगा मेरा। फिश मैरिनेशन करते हुए बातें करेंगे हम लोग आज। पहले तो फ़िश को अच्छे से वॉश कर लीजिए। यहाँ मेरे पास 4 kg फ़िश है, मगर जो मैं मैरिनेशन बता रही हूँ वो 1 kg के लिए है। 3 kg मैरिनेशन मैं बाद में कर लूँगी ऑफ कैमरा। तो फॉर मैरिनेशन मैं 3 teaspoons जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करी फर्स्ट। उसके बाद 1 teaspoon टर्मरिक हल्दी ऐड करी। उसके बाद हल्का हल्का सा 2 spoons लाल मिर्ची यानी रेड चिल्ली पाउडर ऐड करी। देन अब सॉल्ट 2 teaspoons ऐड करी। धनिया पाउडर 1 teaspoon, जीरा पाउडर, गरम मसाला 1 teaspoon, 1 tablespoon मैदा, 1 tablespoon कॉर्नफ्लावर ऐड करी। फिर मैं 1 tablespoon कर्ड ऐड करी इसमें। आप चाहे तो कर्ड स्किप कर सकते। फिर मैं 1 lemon juice ऐड करी इसमें। उसके बाद थोड़ा सा रेड फूड कलर, ये भी स्किप कर सकते आप, ऑप्शनल है। मिक्स करते करते यहाँ हम बातें करेंगे आज। अब मैं अपना बेसिक इंट्रो दूंगी आप लोगों को। आई बॉर्न इन हैदराबाद। हैदराबाद इज माय होम टाउन एंड आई एम लिविंग इन हैदराबाद। मेरे घर में मेरे पेरेंट्स रहते, मेरे घर में मेरे पेरेंट्स नहीं, मैं मेरे पेरेंट्स के घर में रहती हूँ। मेरा एक छोटा भाई है जो दिखने में मेरे से बड़ा दिखता। तो ये है मेरी स्मॉल फैमिली, हैप्पी फैमिली, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अभी आ जाएंगे पढ़ाई की बातों पे। तो आई एम परसुइंग MSc बायोटेक्नोलॉजी। मैं एफिलिएट मार्केटिंग भी करती हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है एफिलिएट मार्केटिंग में, आप लोग अर्न करना चाह रहे हैं, स्पेशली फॉर वुमेन जो घर में बैठकर अर्न करना चाह रहे हैं, तो आप लोग मुझे DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। मैं यहाँ पर नीचे ID दे दूँगी। और बस इतना ही छह मेरे बारे में, ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं। तो मिक्स करते करते हम लोग बहुत बातें कर चुके हैं। Now back to the marination topic। तो अब मैरिनेशन कर लिए बाद से ये फिशेस को सुला देने का है फ्रीज़र में, 5 to 6 hours फ्रीज़र में। सेम मैरिनेशन प्रोसेस से मैं 3 kg को भी मैरिनेट कर ली। क्वांटिटी थोड़ा इंक्रीज कर लेना पड़ता मैरिनेशन की, बस इतने छः। और फिर इसको 5 से 6 घंटे सुला देने का है फ्रीज़र में, या फिर ओवरनाइट भी आप इसे रख सकते। आफ्टर 5 hours मैं यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ। मेरे मम्मी कर रहे हैं एक्चुअली फ्राई यहाँ पर, तो मैं वीडियो बना रही हूँ, आप लोग देख सकते। उसके बाद रेडी है आपके मस्त जूसी टेस्टी फिश। ये खाने में बहुत जूसी और बहुत टेस्टी बनी थी लिटरली। आप लोग भी ट्राई करिए और आप लोगों का मेथड बोलिए कि आप लोग कैसे फ़िश को फ्राई करते हैं, कमेंट्स में बोलिए। मेयोनीज के साथ फ़िश को आप सर्व कर सकते, बहुत टेस्टी लगेगी, आप लोग ट्राई करना ज़रूर। मेरे को तो बहुत पसंद आती फ़िश, बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आती फ़िश, मैं बहुत ज़्यादा शौक़ से खाती हूँ। मेयोनीज लगा के फ़िश खाने में तो मज़ा ही कुछ और है, बहुत ज़बरदस्त दिखती। आप लोग ज़रूर ट्राई करिए, नीचे कमेंट में फीडबैक भी दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो कौन सी टॉपिक पे आप लोगों को चाहिए ज़रूर ज़रूर कमेंट करके बताइए। यहाँ वालिद साहब और मेरे छोटे भाई आ गए थे। भाई को वालिद साहब ने लैपटॉप और आईफोन गिफ्ट किया है। दुआ है मेरा भाई इसको संभाल के रखना, क्योंकि हमेशा वो तोड़ फोड़ करते रहता, ये वो चीज़ें गिराते रहता, कुछ ना कुछ नुकसान करते। दुआ है इस बार कुछ भी नहीं होना, नहीं तो वालिद साहब घर के बाहर निकाल देते मेरे भाई को। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अब वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। नेक्स्ट वीडियो लेसिक सर्जरी पे आएगी। रिसेंटली मेरा लेसिक सर्जरी हुआ, नाउ आई एम स्पेक्सलेस।
मेरी अब स्पेक्स निकल गई परमानेंट अल्हम्दुलिल्लाह। और नेक्स्ट फिर एग्जीबिशन ब्लॉग भी होगा इंशाल्लाह, हम लोग एग्जीबिशन विज़िट करना सोच रहे हैं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़। बना आती ना फिर ना सुन वो के ना वो बना अच्छा पढ़े। कौन सिखाए? मम्मा। मम्मा सिखाए? कौन सा आपने सिखाए? कलमा पढ़ो। लैला लैला इल्लो मोहम्मद रसूलुल्लाह।